नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। रामचरितमानस पर स्वामी पर टिप्पणी करने वाली समाजवादी पार्टी की दो नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह को निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब उनके निष्कासन पर शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि पार्टी किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए रिपोर्ट। पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। रामचरितमानस विवाद पर पार्टी से अलग राय रखने वाली दो नेताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीते दिन सपा ने अपनी दोनों नेताओं रोली तिवारी और ऋचा सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी। वहीं अब इस पूरे मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया है। शिवपाल ने कहा कि अगर पार्टी में रहना है तो अनुशासन में रहना होगा, पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी पार्टी का कोई भी बात है पार्टी में, तो पार्टी के छत पर रखना चाहिए और अनुशासन में चलना चाहिए पार्टी। भाई मेरे फिर वही बात, 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी? अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी छत पर रखिए बात को, और संगठन में अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मतलब एकदम साफ है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन पार्टी से निष्कासन के बाद ऋचा सिंह के सुर काफी हमलावर हो गए हैं। ऋचा ने पार्टी से निकाले जाने पर कई सारे ट्वीट किए जिनमें उन्होंने संगठन की कार्यशैली और उनके फैसलों पर सवाल उठाए। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं, मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था। और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। इसके अलावा ऋचा ने स्वामी प्रसाद पर भी जमकर बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद भस्मासुर हो चुके हैं। घोर अनुशासन की बात यह है कि जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे जातिगत जनगणना पर काम करने को कहा है, उन्होंने उस दिन से एक भी शब्द जातिगत जनगणना पर नहीं बोला। वे सिर्फ श्री रामचरितमानस का बैन चाहते हैं। ऋचा के हमले इतने पर ही नहीं रुके। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इंतजार करिए उस दिन का जब यही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को समाप्त करके अवसर का तलाश करते हुए कहीं और चला जाएगा। बहरहाल अब पूरे मामले में सपा ने साफ कर दिया है कि पार्टी स्वामी प्रसाद का पूरा समर्थन कर रही है और उनके खिलाफ कोई भी बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि रामचरितमानस पर जिस तरह से स्वामी को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है, उससे सपा का वोट बैंक कमजोर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।